देखिए इस गाड़ी को और इस कार को देखकर आप भी हैरान हो जाइएगा, कहीं BMW से कम नहीं है ये कार। ऑटोमेटिक गाड़ी CM नीतीश के लिए लाई गई है। जी हाँ बिल्कुल, विधानसभा में CM नीतीश कुमार इसी गाड़ी से पहुंचे हैं और इस गाड़ी के बारे में जब पता किया गया तो यह गाड़ी BMW को भी फेल कर सकती है। हालांकि CM नीतीश कुमार जिस गाड़ी में चलते हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताया जाता, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है और सुरक्षा के लिहाज है। लेकिन इस गाड़ी को देख आप भी हैरान हो जाइएगा। ऑटोमेटिक गाड़ी है और यह बैटरी पर चलने वाली गाड़ी है। CM नीतीश कुमार के काफिले में एक गाड़ी और जुड़ गया है, जो साफ तौर से आप विधानसभा की यह तस्वीर देख रहे हैं कि विधानसभा में CM नीतीश कुमार इसी नई गाड़ी से पहुंचे हैं। अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सब पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, गियर ऑटोमेटिक है। ऊपर में आप साफ तौर से देख सकते हैं सनरूफ है। अगर किसी अभिवादन करना हो CM नीतीश कुमार को तो वो सनरूफ से बाहर भी निकल सकते हैं। आगे का बैकडोर आप देख सकते हैं, जो आगे का हम दिखा रहे हैं तस्वीर फ्रंट का, उसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कैमरे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक गेट लगा हुआ है। तो CM नीतीश कुमार की सुरक्षा के लिहाजे से एक ऐसी कार मंगाई गई है जो BMW को भी फेल कर सकती है। अब CM नीतीश कुमार ऑटोमेटिक गाड़ी से घूमेंगे और उस गाड़ी काफिले में उस गाड़ी को ऐड कर दिया गया और CM नीतीश कुमार खुद इस नई कार से विधानसभा पहुंचे हैं। जब तस्वीरें कैमरा में कैद हुई तो वह किसी BMW से कम नहीं, हुंडई कंपनी की यह गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। और बताया जा रहा कि आगे पीछे यानी 4 एयर बैग भी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और 4 एयर बैग के अलावा जो फ्रंट है उसमें ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक कैमरे बैक में, ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं, तमाम तरह की ऑटोमेटिक बुलेट प्रूफ कार CM नीतीश के लिए नई मंगाई गई है। तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि चमचमाती हुई कार पर अब CM नीतीश कुमार सवार होंगे, यानी उनके एस्कॉर्ट में यह गाड़ी जुड़ गया है, जिसे CM नीतीश कुमार खुद उस गाड़ी पर बैठेंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी का आनंद लेंगे। बताया जा रहा है उनके गार्ड ने कहा साफ तौर से ऑटोमेटिक से कम नहीं है। और क्या कुछ फीचर के बारे में बता रहे हैं जरा सुनिए। गेट खुलते ही सीट जो आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है, जो ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक है, ऊपर से भी निकल सकते। अच्छा, सुरक्षा के मद्देनजर इसमें क्या कुछ खासियत है जो अब तक बताया गया है? सुरक्षा ऑटोमेटिक है, सब चीज जो है सेंसर लगा हुआ है इसमें। क्या इसमें भी एयरबैग वगैरह की सिस्टम? एयरबैग है, फुली एयरबैग है, आगे पीछे सभी एयरबैग, मतलब इसमें बैठने वाले व्यक्ति पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऊपर से CM निकल सकते हैं, लोगों का अभिवादन कर सकते हैं? नहीं, ऊपर से सनरूफ खुलता है ना, सनरूफ है। ये गाड़ी का देखिए और इसका पैनल देखिए, कितना खूबसूरत तरीके से पैनल बनाया गया है। साउंड सिस्टम भी इसमें इनबिल्ट है? हाँ, साउंड सिस्टम।